दोस्तों ना ही अब वीडियो अपलोड हो सकता है, ना ही कम्युनिटी पोस्ट हो सकता है और ना ही स्टोरी लग सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं फुल एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ कि ये सारे यूट्यूबर जो है ना, 99% यूट्यूबर जो है वो यहाँ पे कॉमन गलती करते हैं और इस गलती के बाद से लाइफ टाइम उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। तो जानना चाहते हैं कि क्या है मामला, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम कमाल फारूक है, टेक्निकल फारूक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नॉट फेक ओनली टेक। जैसा कि दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे एक व्यूवर्स हैं, एक यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनका नाम है टेक्निकल न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उन्होंने अपने चैनल पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये गलती क्या है, इस गलती से आप भी सीख सकते हैं, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए आपका YouTube जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, YouTube चैनल बर्बाद हो जाएगा और उस बर्बादी से बचाने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक एप्लीकेशन का रिव्यू किया था अपने चैनल पे और वो था अर्निंग एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल न्यूज़ YouTube चैनल पे इन्होंने अर्निंग एप्लीकेशन का एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के बाद से इनके चैनल पे आ गया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, जैसी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद से उनका वीडियो जो है वो रिमूव कर दिया यूट्यूब ने और साथ में जो पनिशमेंट किया और पनिशमेंट के बाद जो इन्होंने गलती करी थी ना वो नहीं करनी चाहिए, जो कि लगभग सारे यूट्यूबर ये गलती करते हैं। लेकिन जैसे इनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली और वीडियो रिमूव किया गया, उसके बाद से इनका जो है ना दो हफ्ते के लिए ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, स्टोरी नहीं लगा सकते हैं और साथ में कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते, यानी कि यूट्यूब पे अब ये दो हफ्ते तक वर्क नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है जो कि आप लोग को भी नहीं करनी चाहिए। ये गलती क्या है यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे ही यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली और वीडियो को रिमूव किया गया, तो वीडियो तो रिमूव हो जाता है लेकिन टाइटल और वीडियो का जो है ना वो वाइट हो जाता है, जो थंबनेल होता है वो वाइट हो जाता है, लेकिन वीडियो ऐसे ही रहता है, आप ओपन नहीं कर सकते। YouTube के नज़र में वो वीडियो जो है ना, YouTube जो है उसे वॉच कर सकता है, देख सकता है, जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो आप उसे नहीं देख सकते। साथ में इन्होंने क्या किया कि जैसे इनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली तो ये डर गए और डरने के साथ साथ इन्होंने क्या एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद से इनके चैनल पर अब वो लाइफ टाइम तक कम्युनिटी गाइडलाइन बनी रहेगी। ये क्या किए कि डरने के साथ साथ ये गए YTA स्टूडियो में और YTA स्टूडियो से जो वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी और वीडियो रिमूव हो गया था, उस वीडियो को इन्होंने प्रॉपर तरीके से डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के साथ साथ जब इनके चैनल पे वो वीडियो डिलीट हो गई तो अब ये डर करके हमसे फ़ोन करके बात किए। बात करने के बाद से पता ही ये चला कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनको वीडियो डिलीट नहीं करनी चाहिए। YouTube तो खुद उस वीडियो को रिमूव कर दिया है, ना ही उसे आप वॉच कर सकते हैं, ना लोगों तक वो वीडियो जाएगा, तो आपको डिलीट करने का कोई मतलब के सवाल ही नहीं होता है। लेकिन इन्होंने डर के मारे उस वीडियो को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद से अब जो है 3 महीने के बाद भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक इनके चैनल पे एक बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक प्रीवियस चैनल था, पुराना चैनल था, मैंने भी यही गलती की थी, जिसके बाद से लाइफ टाइम एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वहाँ पे शो होता था। जी हाँ दोस्तों, सेम गलती इन्होंने भी किया है और यहाँ पे इनको वीडियो जो है ना वो डिलीट नहीं करनी चाहिए और इन्होंने डिलीट कर दिया है और अब ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है ना लाइफ टाइम इनके चैनल पे बनी रहेगी। आने वाले 2-4-5 महीने में हो सकता है कि YouTube का कोई अपडेट आ जाए जिसके बाद से इनका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट जाए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको बिल्कुल भी अपने वीडियो को डिलीट नहीं करना है। अगर YouTube इन्फॉर्म करता है कि नहीं आप वीडियो को डिलीट कर दिए तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक में कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में अगर वीडियो रिमूव हो गया है और आपको पनिश कर चुका है YouTube, तो आप उस वीडियो को भूल करके भी डिलीट मत कीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी लोचा हो सकती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। वीडियो थोड़ी सी पसंद नहीं हो ना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।